देखिए आपको क्या बोलता है, बहुत आसान से दो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। हमको बोला जाता है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम? सिर्फ एक साइड पैरेलल होती है, वन पेयर पैरेलल, ठीक है। ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है जिसमें कि ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के, ऐसा बोला जाता है। आगे सुनिए, ए बी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स AC, number one given, number two, AB is equals to two times CD, ये आपको given है, okay? समझ में आती है बात? आगे सुनिए, determine the ratio of the area of triangle AOB and COD, आपको निकालना है area of triangle AOB का ratio लेना है area of triangle COD के साथ, COD D के साथ, ये रेशियो ले रहा है हमको, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो O मिलना चाहिए, और O क्या है मैं आपको बता दूं, ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको S से मिला दीजिए, A को C से मिला दीजिए, दिस इज O, ठीक है ना, बताइए, ठीक है ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम A O B और D O C को क्या दिखा दें, सिमिलर, कैसे, एंगल 3-4 के इक्वल ऑल्टरनेट, और 5-6 के इक्वल ऑल्टरनेट, तो एंगल 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 से क्या हो गए, सिमिलर। तो दिस इंप्लाइज दैट, नाम ध्यान से रखेंगे, डीओसी ट्रायंगल्स या सीओडी या एओबी, कुछ भी जो बोल रहा हूं बोलिए, ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नाम ध्यान से रखेंगे, A पर एंगल 6 है जो कि किसके इक्वल है 5 के, C O D आमने सामने बचा D C O D, अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब है इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब हमको इधर देखिए जरा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है, कैसे हम उन्हीं साइड्स को लें जो साइड्स हमारे काम की है, और हमारे काम की देखिए कौन सी, ए बी और सी डी के रिलेशन है, इसका मतलब वी कैन राइट लाइक दिस, मैं यही कर दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल्स, एक तो मैं यहाँ से उठाऊँ क्या ए बी, तो इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर, यस अपॉन सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद क्या बन जाएगा बताइए, नेक्स्ट स्टेप में ए बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, इधर ध्यान से ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स सी डी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर करोगे तो इस पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, टू पे भी लगेगा और सी डी पे भी लगेगा, तो उसका स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, और सी डी का स्क्वायर क्या होता है, सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी, सी डी गेट्स कैंसिल्ड and the ratio is 4:1. What is the meaning of this statement? Cross कराएंगे, तब आपको इसका meaning पता चलेगा, okay? तो area of triangle AOB upon area of triangle COD is equals to 4:1. का मतलब 4/1. That is equals to 4:1. Cross कराओगे ये से और ये से. This implies that कि area of triangle AOB is equals to 4 times area of triangle COD. इसका मीनिंग समझ में आता है कि अगर ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये 100 है, समझ में आता है।